तरीके से जो धातु है, लोहा, चांदी, सोना, गोल्ड, तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम। तो एटम में फर्दर बहुत चीजें होती हैं। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है, और जो इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसके, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो साइंटिस्ट का कहना यह है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन का मास है उससे थोड़ा भी इधर होता या उधर होता तो ये चीज स्टेबल नहीं होती, सब खत्म हो जाता। न्यूक्लियस का जो इस टाइम प्रेजेंट मास है, जो वजन है न्यूक्लियस का, उससे कम होता या उससे ज्यादा होता तो ये चीज दुनिया स्टेबल नहीं होती, ये माइक फट जाता, ये सब चीज फट जाती, सब एक्सप्लोड हो जाता, पूरा यूनिवर्स कोलैप्स कर जाता, एक्सप्लोड हो जाता। हर एक चीज बड़ी मेजरमेंट से बनाई गई है, बहुत नाप तोल के बनाई गई है। पढ़ रहा हूं मैं, देखिए उसे, इफ देयर वाज ए स्मॉल चेंज, अगर थोड़ा सा भी चेंज होता इन द साइज ऑफ एटम, एटम के साइज में, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के वजन में, या फिर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जो दूरी है न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की, इसमें जरा सा भी चेंज होता, देन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वुड एक्सप्लोड। जितनी भी चीजें हैं, तमाम चीजें हैं कायनात में, वो सबके सब फट जाती, सबके सब कोलैप्स हो जाते। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने लिखा है, दैट्स व्हाई दिस एस्टोनिशिंग स्ट्रक्चर नीड्स ए डिजाइनर। इस बनाने वाले के लिए कोई ना कोई क्रिएटर चाहिए। ये सब एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप इस बात पे ध्यान दें, एटम की जो स्पीड है वो एक इत्तेफाक हो सकती है, एक इत्तेफाक हो सकती है, लेकिन उसके साथ उसका मास भी इत्तेफाक होगा, उसके साथ उसकी दूरी भी इत्तेफाक होगी, उसके साथ प्रोटॉन का मास भी इत्तेफाक होगा। ऐसा इतने इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते, इतने इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते हैं। इसलिए इसका कोई ना कोई डिजाइनर है। और The rules which never can come into existence by coincidence. ये सारे rules एक coincidence में नहीं आ सकते। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक आयत नंबर 54, सूरह 54 आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, We have indeed created all things by proper measure. और बेशक हमने हर एक चीज बड़ी नाप तोल के बनाई है। अल्लाह हू अकबर। 1400 साल पहले कुरान पाक में इस चीज का जिक्र हो गया।